न्यू वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आज की ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों 5% से अबव का हमें काफ़ी शानदार तरीके से रैली देखने को मिला है। दोस्तों बात करें जब स्टॉक की प्राइस हमें ओनली 1500 के निचले स्तर पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ से आप लोगों को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि आप लोग के सामने में इसका प्राइस हमें 3000 के भी क्रॉस करके आगे जाती हुए देखने को मिला। हालांकि वहां से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें फिलहाल करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 5% से एबव का फिर से काफ़ी अच्छा खासा रैली शो किया है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे पिछली वन मंथ के इसका प्राइस या ग्राफ का, तो पिछली वन मंथ की बात करें तो यहाँ पर हमें 8% के अप्रोक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस से ग्राफ का, तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में यहाँ पे हमें प्लस पॉइंट थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। दोस्तों पिछले 1 साल की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने यहाँ पे 76% से एबव का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में ये हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने काफ़ी उतार चढ़ाव शो किया है। जब भी इस स्टॉक में हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट देखने को मिल रहा था, वहाँ पे आप लोगों को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ से देख सकते हो किस तरीके से इसका प्राइस हमें आगे जाते हुए देखने को मिला। हालाँकि यहाँ से इसका प्राइस फिर से हमें साइड जोन में जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर भी हमने आप लोगों को वीडियो बनाकर अपडेट किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी हमें आगे देखने को मिल सकता है। और इसका प्राइस हमें 3000 के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला। हालांकि वहां से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिला, जिसके वजह से इसका प्राइस फिलहाल हमें 3000 के निचले स्तर पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस है ग्राफ का, तो यहाँ पर देख सकते हो 230% से एबव का हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस है ग्राफ का, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से अभी तक इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है। ज़बरदस्त तरीके से हमें यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है। इसका प्राइस है ग्राफ भी देख के हमें समझना चाहिए, स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है और फ्यूचर में भी इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे यानी कि आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितना परसेंट का हमें खरीदारी होते हुए देखने को मिला है, तो यहाँ पे दोस्तों ओनली हमें 14% के अप्रोक्स में यहाँ पे खरीदारी होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली 1500 के अप्रोक्स में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले साल, वहाँ से इस स्टॉक ने 3100 रुपये का भी क्रॉस करके आगे जाते हुए हमें देखने को मिला, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों हम बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 2 रुपये देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे क्वार्टर का रिजल्ट का दोस्तों, तो यहाँ पे Q4 में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट शो किया है, जिसके वजह से इस स्टॉक में हमें आजकल अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करिए यहाँ पे Q3 का रिजल्ट है, और Q3 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे Q4 का रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से इस स्टॉक में अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें इस साल देखने को मिल रहा है, आप लोगों के सामने में देख सकते हो। वही दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 73% से एबव का होल्डिंग है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कोई प्रमोटर का शेयर हमें यहाँ पे प्लेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है और फ्यूचर में भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर देख सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस साल की बात करें तो इस साल काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने मिल रहा है, पिछले साल के अकॉर्डिंग जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में
हमें रिजर्व फंड सरप्लस का फिगर देखने मिला है। हालांकि एवरी ईयर काफी इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहाँ पे फिगर को देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे फिक्स एसेट का, उससे पहले बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, तो यहाँ पे 119 करोड़ के आसपास का फिगर है। जो कि हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का दोस्तों, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का फिगर भी थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफ़ी इंक्रीमेंट के साथ हमें फिक्स एसेट का फिगर भी देखने को मिला है। हालांकि बात करें तो एवरी ईयर जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक फिक्स एसेट का फिगर शो किया है दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे देख सकते हो रफली हमें यहाँ पे 25,000 से एबव का फिगर है। जो कि हम बात करेंगे सेक्टर के पीरिशो का दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमें 89 के अप्रोक्स में देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीरिशो से इस स्टॉक का पीरिशो काफ़ी निचले असर पे है। दोस्तों इसका क्वार्टर का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा खासा है और इसका पीरिशो भी काफ़ी निचले असर पे है, तो फ्यूचर में इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे रेवेन्यू के रिगार्डिंग, तो इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें यहाँ पे रेवेन्यू का ग्राफ भी देखने को मिल रहा है। पिछले 5 ईयर का यहाँ पे ग्राफ है और काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें यहाँ पे प्रॉफिट का ग्राफ भी देखने को मिला है। हालांकि पिछले 5 ईयर का यहाँ पे ग्राफ है और एवरी ईयर काफ़ी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें सेल्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे Q4 में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे सेल्स का फिगर शो किया है, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे उछाल देखने को मिला। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर का होल्डिंग भी इस स्टॉक में यहाँ पे हमें 73% से एबव का देखने को मिल रहा है, जो कि FII का होल्डिंग 6% से एबव का है और यहाँ पे DII का होल्डिंग हमें 15% से एबव का देखने को मिल रहा है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग यहाँ पे ओनली हमें 6% के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। स्टॉक अभी तक काफ़ी शानदार तरीके से रैली शो किया है और आगे भी इसमें हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत और हमें करेक्शन देखने को मिलता है, तो शायद ही इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका Q4 का रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से इसका प्राइस हमें 4,000 के अप्रोक्स में हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक अपने आप में जैकपॉट है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।